दोस्तों 2019 में जब एक मोशन पोस्टर के माध्यम से राधे और मोस्ट वांटेड भाई का नाम अनाउंस किया गया था तो दोस्तों इस खबर को सुनते ही दबंग खान के फैंस फूले नहीं समा रहे थे इस बात को जानकर कि भाई राधे और मोस्ट वांटेड भाई के माध्यम से 2020 का जो ईद है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। यानी कि इसी साल भैया ईद के मौके पर राधे और मोस्ट वांटेड भाई को सिनेमाघर में रिलीज होना था, लेकिन इससे पहले कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई सिनेमाघर में रिलीज हो पाती कि भाई ये फिल्म भी कोरोना वायरस के भेंट चढ़ गई। यानी कि भैया ना तो इस फिल्म का काम कंप्लीट हो पाया और ना ही इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने अभी तक आ पाई है कि भाई यह फिल्म कब सिनेमाघर में रिलीज होगी। लेकिन भैया अब इस फिल्म को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही है वो बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छी है। यानी कि भैया 6 महीने बाद इस फिल्म का काम फिर से एक बार शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी ही सलमान खान और उनकी पूरी टीम इस फिल्म का काम कंप्लीट कर लेगी। यानी कि भैया इस फिल्म से जुड़े हुए कलाकार एक एक करके अपना काम कंप्लीट करते जा रहे हैं और यह जानकारियां हम आपको लगातार बता रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही इस फिल्म से जुड़ी हुई जो जानकारियां सामने आ रही है उसको सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई के माध्यम से दबंग खान बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो दोस्तों क्या है यह खबर, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान सलमान खान से। तो दोस्तों आपको पता ही है कि सलमान खान की आने वाली इस फिल्म यानी कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई में उनके साथ दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा जैसे कलाकार नजर आएंगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई भैया बॉलीवुड के कलाकारों की, लेकिन भैया इस फिल्म में साउथ कोरिया के भी सुपरस्टार नजर आने वाले हैं। यानी कि भैया राधे और मोस्ट वांटेड भाई को लेकर बॉलीवुड हंगामा के एक रिपोर्ट में यह बात सबके सामने रखी गई है कि भाई इस बार सलमान खान की आने वाली इस फिल्म में बॉलीवुड के स्टार के साथ साथ भैया साउथ कोरिया के भी सुपरस्टार नजर आएंगे। यानी कि भैया इस बार सलमान खान के साथ क्वान ताई हो भी नजर आने वाले हैं जिन्होंने इस फिल्म का एक्शन डिजाइन किया है और वो भैया स्क्रीन भी शेयर करते नजर आएंगे इस फिल्म में। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये बात बताई जा रही है कि भैया 2019 में ही क्वान ताई हो अपनी टीम के साथ इस फिल्म का एक्शन पूरा करने के लिए इंडिया आ चुके थे और भाई उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ में इस फिल्म का एक्शन डिजाइन किया और भाई एक्शन इतना जबरदस्त है जिसे देखने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। यानी कि इस फिल्म के एक्शन को लेकर बीच में ऐसा बताया जा रहा था कि भैया एक्शन को लेकर सलमान खान थोड़े से नाखुश थे और उनकी थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी प्रभु देवा से इस बात को लेकर कि भैया एक्शन जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। लेकिन भैया बताया जा रहा है कि प्रभु देवा को क्वान ताई हो के एक्शन पर पूरा भरोसा था और उन्होंने उन पर विश्वास जताते हुए सलमान खान को कॉन्फिडेंस मिल गया कि भाई जब ये एक्शन सिनेमाघर में लोग देखेंगे तो भाई ये फिल्म आपको एक अलग लेवल पे ले जाएगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि अब आपको राधे और मोस्ट वांटेड भाई का कितना इंतजार है और आपको क्या लगता है जब यह फिल्म सिनेमाघर में आएगी तो कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और मेरा नाम है पूजा शर्मा, ये मेरी वाइफ है। दोस्तों आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल मैडम आगे बताइए टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वायरल इंजेक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल न्यूज जंक्शन को दिया है। दोस्तों हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।